सुचित्रा सेन ने गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म आंधी में एक बेहद सशक्त महिला का रोल प्ले किया था। आज भी उनके उस रोल की तुलना इंदिरा गांधी से की जाती है। फिल्म में सुचित्रा के ऑपोजिट एक्टर संजीव कुमार थे। बंगला इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। बंगाली फिल्मों में उत्तम कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। साल 1952 में बनी शेष कोथा एक्ट्रेस की पहली फिल्म थी। ये एक बंगला फिल्म थी, मगर किसी कारणवश यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। बड़ी एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आई सुचित्रा ने हार नहीं मानी और फिल्मों में काम ढूंढती रही। सुचित्रा सेन के करियर में मील का पत्थर साबित हुई साल 1955 में आई हिंदी फिल्म देवदास। ये सुचित्रा की पहली हिंदी फिल्म थी। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म में सुचित्रा को महानायक दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में सुचित्रा लीड रोल में थी और पार्वती यानी पारो के किरदार में नजर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट साबित हुई और सुचित्रा रातों रात सुर्खियों में आ गई। इसके बाद तो उन्हें और भी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। '62 में सुचित्रा सेन एक बार फिर चर्चा में आई जब अपनी लगातार हिट फिल्मों के बाद उन्हें साल 1962 में एक फिल्म के लिए हीरो से ज्यादा पैसे मिले। रिपोर्ट्स की माने तो 1962 की फिल्म विपाशाक में काम करने के लिए सुचित्रा सेन को 1,00,000 रुपए मिले थे, जबकि हीरो उत्तम कुमार को सिर्फ 80,000 रुपए दिए गए थे। कहा जाता है कि राज कपूर ने सुचित्रा सेन को एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें राज साहब का झुककर फूल देने का अंदाज पसंद नहीं आया था। 17 जनवरी 2014 में सुचित्रा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका निधन कोलकाता में हुआ, लेकिन आज भी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को याद किया जाता है।